एंड वेलकम टू माय चैनल टीच गोपाल। दोस्तों मैं आपका होस्ट गोपाल। दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि रियल इस्टेट का बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो रियल इस्टेट बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। और मैं आज इस वीडियो में बेसिक बताऊँगा रियल इस्टेट कैसे स्टार्ट करते हो, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। तो दोस्तों रियल इस्टेट में अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर रियल इस्टेट में काम करना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आप किस लोकेशन में काम करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक आधा लोकेशन डिसाइड करा है, जैसे कि पुणे है ना, मैं पुणे से हूँ तो मैं पुणे की बात करता हूँ। पुणे में बहुत सारे लोकल एरियाज़ है, जैसे कि वाकड़ हुआ, हिंजोड़ी हुआ, तो आपको टॉप लोकेशन सर्च करना है आपके घर के नज़दीक का। तो आपको वहाँ पे जाके देखना है दोस्तों कि कैसे है रियल इस्टेट का, जो रियल इस्टेट के फर्म्स है उनको जाके कोऑर्डिनेट करना है, उनसे बातचीत करनी है और बेसिक नॉलेज लेना है रियल इस्टेट का। उसी के साथ आप YouTube पे भी सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि कैसे रियल इस्टेट स्टार्ट करना है, लेकिन मैं आज आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में ही स्टार्ट करना बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको पता है कौन सा भी बिज़नेस आपको अगर करना है तो जीरो इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो अपन बात करते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट पे ही। तो बेसिकली आपको यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आपका टाइम हुआ, आपका एफर्ट हुआ, ये भी पैसे से कम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है कि आप जिस लोकेशन में काम करना चाहते हो उस लोकेशन को टोटली उस लोकेशन का पूरा नॉलेज लेना है, जैसे कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ है, कौन कौन से चौक है, वहाँ से आपका जो कनेक्टिविटी कैसा है, जो आईटी पार्क है वहाँ से कितना किलोमीटर आता है, रेलवे स्टेशन कितना किलोमीटर आता है, ये बेसिक नॉलेज आपको लेनी है। उसके बाद आपको दोस्तों रियल इस्टेट में उतरना है। रियल इस्टेट में उतरने के वक्त या रियल इस्टेट का बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त आपको कुछ करना नहीं है, आपको एक 500 से 600 रुपये में विजिटिंग कार्ड मिलते हैं। आपको डिसाइड करना है एक फर्म का नाम, जैसे कुछ भी रख सकते हो, राम रियल इस्टेट, आर्या रियल इस्टेट, जो भी आपके हिसाब से एक आधा नाम करो। आपको शुरुआती में कुछ भी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की या फिर डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टार्ट कर दो बिज़नेस आपके विजिटिंग कार्ड के साथ। उसके साथ आपको एक बाइक लगेगी, उसी के साथ मोबाइल भी लगेगा, एंड्रॉयड मोबाइल हो तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। उसके बाद आपको करना है क्या कि आपको जाना है आपके जो लोकेशन सेलेक्ट करा है उस लोकेशन में, और उसके बाद आपको उस लोकेशन की जितनी भी सोसाइटीज़ है उस सोसाइटीज़ में जाके उसके वॉचमैन और उसके मैनेजर से मिलना है, उनसे बात करनी है। उनसे बात करने के बाद उनको आपको कुछ चीज़ें बतानी है, जैसे आप रियल इस्टेट में स्टार्ट कर रहे हो और उसी के साथ अगर आप मुझे प्रॉपर्टी देते हो तो आपको मैं कमीशन दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको खाली फ्लैट गेन करने हैं दोस्तों। तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो आप स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर्टीज़ कलेक्ट करनी है दोस्तों। प्रॉपर्टीज़ कैसे कलेक्ट करनी है इसके बारे में अभी आप बात करेंगे। तो दोस्तों प्रॉपर्टी कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ऑफलाइन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है मार्केट में। अगर आप 10 प्रॉपर्टी के साथ मार्केट में उतरते हो तो दोस्तों आपका चांस है कि आप रियल इस्टेट में सेट हो जाओ। कम से कम दोस्तों आपको 6 महीने तक एफर्ट मारना पड़ेगा, आपको सोसाइटी मैनेजर से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उसी के साथ वॉचमैन को जाके टाइम टाइम पे मिलना पड़ेगा। और अब बात आती है दोस्तों आपको कस्टमर कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे जरिए हैं, वहाँ से आपको बिना पैसे दिए ही कस्टमर मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे बड़ा जरिया है दोस्तों फेसबुक। फेसबुक पे आप बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जैसे कि फ्लैट एंड फ्लैट मेट्स वगैरह वगैरह, तो आपको सब ग्रुप्स को ज्वाइन होना है, वहाँ पे आपको पोस्टिंग करनी है। वहाँ पे पोस्टिंग करते वक्त दोस्तों आपको सिंपली फ्लैट्स के फ़ोटोज़ निकालने हैं और वहाँ पे पोस्ट करना है, वहाँ से आपको कस्टमर मिल जाएंगे। और एक तरीका है दोस्तों इनडायरेक्ट डील्स का। इनडायरेक्ट डील्स होती है क्या है, सपोज़ एक आधा फ्लैट है 10,000 का और वो डील हो जाती है आपका फ्लैट और किसी और ब्रोकर का कस्टमर,
ठीक है, ये कस्टमर और ब्रोकर के बीच का जो बॉन्डिंग होता है और जो डील होती है उसको इनडायरेक्ट डील कहते हैं। और उसी के साथ दोस्तों आपका इसमें शेयर होता है 50-50 का, ठीक है। जैसे 10,000 का फ्लैट है और आपने किसी और ब्रोकर के साथ डील करी है तो आपको उसका 50% मिल जाएगा, मीन्स आपको 5,000 मिल जाएंगे। तो ये अच्छी डील होती है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जब रियल इस्टेट स्टार्ट करते हो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम भी आएंगे, लेकिन अगर आपके टाइम पंचुअलिटी के साथ कस्टमर को हैंडल करेंगे या फिर प्रॉपर्टी ओनर के साथ कोऑर्डिनेट अच्छे से करेंगे तो आपका रियल इस्टेट बिजनेस ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी बात करते हैं अपन कि रियल इस्टेट में स्टार्टिंग में आप फ्लैट कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको, एक विजिटिंग कार्ड बना के आपको सोसाइटी मैनेजर और सोसाइटी वॉचमैन किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है, उनके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है। उसके बाद आती है प्रॉपर्टी ऑनलाइन। दोस्तों प्रॉपर्टी ऑनलाइन निकालने के लिए बहुत सारे पोर्टल्स हैं, जैसे 99 हुआ, मैजिक ब्रिक्स हुआ, housing.com हुआ, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, वहाँ से आप भी प्रॉपर्टी निकाल सकते हो ओनर की। तो अगर कैसे आपको ओनर की प्रॉपर्टी निकालनी है वो देखना है तो आप मेरे वीडियोस देखो पीछे की, मैंने सब पोर्टल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है पूरी, रजिस्ट्रेशन के साथ उसी के साथ पोस्टिंग कैसे करते हैं, वहाँ से प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं, आपको पूरी नॉलेज वहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई, उसी के बाद आपने फेसबुक पे ऐड पोस्ट करी, कुछ कस्टमर भी आ गए, अब बात आती है ग्रो कैसे करें, ठीक है। तो दोस्तों आपको ऑफिस कम से कम 6 या 1 साल तक डालना नहीं है, आपको घर से ही ऑपरेट करना है। खाली दोस्तों आपको देखना है कि कस्टमर कब आते हैं, कभी अभी नॉर्मली जब हॉलीडेज होता है जैसे सैटरडे संडे को मोस्टली ज़्यादा विजिट होती है, तो आपको टाइम सेट करके रखना पड़ेगा आपके कस्टमर का। उसी के साथ अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है या थोड़ी सेविंग है तो आप एक आधा पैकेज ले सकते हैं 99 मैजिक ब्रिक्स का, उससे आपको लीड मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप पैकेज नहीं लेना चाहते हो तो आपको फेसबुक जरिया बहुत ही अच्छा है, आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स होते हैं या कस्टमर होते हैं वो ऑनलाइन होते ही होते हैं और वो फेसबुक यूज़ करते ही करते हैं। तो आप उस ग्रुप में जाओ जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक हो, वहाँ पे पोस्ट करो, आपको कुछ ना कुछ कस्टमर मिल जाएंगे और आप डील क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो अब बारी आती है कि डील क्लोज करते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सपोज़ दोस्तों पहले बात करते हैं अपन इनडायरेक्ट डील की, जो कि ब्रोकर के साथ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करने वाले हैं इनडायरेक्ट डील्स के बारे में। तो इनडायरेक्ट डील्स आपको बताया मैंने कि ब्रोकर टू ब्रोकर होती है, इसमें 50-50 आपको मिल जाता है। तो अब बात करते हैं जब डील होती है, सपोज़ एक एग्जांपल आपके पास फ्लैट है 1BHK है, किसी और ब्रोकर के पास कस्टमर है, उसको 1BHK की ज़रूरत है, आप कोऑर्डिनेट करो उनके साथ, आप बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करो और उसके बाद आप कोऑर्डिनेट करके विजिट करा और डील हो जाएगी। डील होने के बाद दोस्तों और कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे एग्रीमेंट होता है दोस्तों, एक आधा रेंटल प्रॉपर्टी है उसका अगर डील हुआ तो उसका एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट कंपलसरी है दोस्तों। अभी 2019 से नोटराइज एग्रीमेंट बंद हो गया है, आपको रजिस्टर ही एग्रीमेंट करना पड़ता है, लेकिन कोई कोई रेंटल एग्रीमेंट नोटराइज भी करता है, नोटराइज 500 के स्टैम्प पेपर पे हो जाता है, वो कोई भी एडवोकेट के पास जाके कर सकते हो। लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ अथोराइज कंपनीज होती है, उनके साथ आपको टाई अप करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसी के साथ पुलिस वेरिफिकेशन होता है दोस्तों, और ये पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो। उसी के साथ आप ऑफलाइन अगर करना चाहते हो तो ऑफलाइन में आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, जिस लोकेशन में आपका फ्लैट आपने रेंट पे दिया है उस लोकेशन में जाके पुलिस स्टेशन में पुलिस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं, कस्टमर का पैन कार्ड आधार कार्ड, उसका ओनर का पैन कार्ड आधार कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल, बस इतना ही लगता है। और ये दोनों चीज़ें एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन आपको सोसाइटी में सबमिट करना है और उसके बाद पोजीशन देना है दोस्तों। रेंटल में दोस्तों रेंट और डिपॉजिट होता है, ये आपको पता ही बता देता हूँ, और ये आप जब फ्लैट दे रहे हो तो उस टाइम आपको लेना है कस्टमर से, ठीक है। तो बात आती है दोस्तों अब जीरो इन्वेस्टमेंट में, मैंने जैसे बताया आप स्टार्ट कर सकते हो। उसी के साथ दोस्तों ब्रोकर नेटवर्क नाम का एक एप्लीकेशन है, इससे आपको ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप न्यू
रियल इस्टेट में आना चाहते हो तो। इससे होता है दोस्तों कि ये लगभग पुणे में ही और करता है, पुणे और पोवे में। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट डील्स में आपको ब्रोकर कॉन्टैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे मैंने बोला था सोसाइटी मैनेजर और उनके पास से जो मिली है, वो आप यहाँ पर सिंपली पुट कर दो और उसी के साथ जिनको रिक्वायरमेंट है उनके साथ मैच हो जाता है और कोऑर्डिनेट हो जाता है और उसी के साथ विजिट होने के बाद डील होती है। और उसी के साथ दोस्तों आपका ब्रोकर नेटवर्क कॉन्टैक्ट भी बढ़ जाता है, उससे आपके ब्रोकर के साथ के रिलेशन बिल्ड करना है आपको और रिलेशन भी बिल्ड हो जाते हैं, उसी के साथ ब्रोकर के साथ जान पहचान भी हो जाती है और इससे आपका बिजनेस में हेल्प मिल जाती है और इसी के साथ आप बिजनेस अच्छे से कर सकते हो रियल इस्टेट का। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हो। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।